तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं गोरखपुर थाने के लिए, और दोस्तों वहाँ पे बुलाया गया था। दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि ये दोनों एक हो जाएं, और जहाँ तक हो सकेगा समझौता कराने की कोशिश करूँगी, सुलह कराने का, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि दोनों लोग एक हो जाएं। यहाँ पे मालती पीछे बैठी हैं, देख सकते हैं आप लोग, और ये भी विष्णुराज के पास वापस जाना चाहती हैं, और विष्णुराज इन्हें अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं ये तो उनके ऊपर है दोस्तों, लेकिन मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी वो अपना लें और दोनों लोग अच्छे से मिलजुल के रहें। अगर ये मालती गलती की है तो विष्णु का भी गलती है कहीं ना कहीं। दोनों लोग एक्सेप्ट करें और एक दूसरे से खुशी खुशी रहें लोग, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। आप लोग बताइए कमेंट करके। दीदी हम लोग भी यही सोच रहे हैं, विष्णु और मालती एक हो जाए। भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि आप दोनों एक हो जाइए और अच्छे से रहिए, लड़ाई कीजिए, मारपीट कुछ भी मत कीजिए। आप उनका सहारा दीजिए, वो आपको सहारा देंगे, बस प्लीज हम लोग के तरफ से ही रहेगा। आप लोग हमेशा खुश रहिए, झगड़ा उगड़ा मत कीजिए, बेइज्जती वाला काम मत करवाइए, और अगर झगड़ा भी हो रहा है ना सोशल मीडिया पर मत फैलाइए, ठीक है? गलत बात है।